अस्सलाम वालेकुम, तातार ऑर्गेनिक फार्म से। आज आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी के बारे में अपडेट दूंगा कि स्ट्रॉबेरी पे किधर काम पहुंचा है। तो ये जगह मेरी स्ट्रॉबेरी की पक्की थी, लास्ट ईयर ये दीवार नीचे गिर गई जिसकी वजह से स्ट्रॉबेरी मैं नहीं लगा सका। तो इंशाल्लाह इस साल मैंने इसको कैचअप किया है। ये देखें, अता ने मुझे ये स्ट्रॉबेरी भेजी हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं। और ये ज़मीन में भी कुछ चले गए हैं, बाकी के जो हैं वो भी काम जारी है। ये देखिए खूबसूरत बेड्स हैं और इंशाल्लाह जब इसमें फॉलीज थोड़ा ये पकड़ेगी और जब इसमें जो है वो फल आएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ये जनाबली जो है वो लगा रहे हैं और जो है बाकी लोग इसको हेल्प कर रहे हैं बेड सेट करने में। तो इंशाल्लाह होपफुली आज हम जो है ना इसको क्लोज़ कर देंगे। आप ये देखिए स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स माशाल्लाह ऐसे हैं वैसे जैसे बिल्कुल ज़मीन से निकले हुए हैं। तो ये हेल्दी प्लांट जो है ना, ये बेसिकली आपकी आधी मेहनत को ऊपर उठा लेता है। वरना अगर प्लांट हेल्दी ना हो तो फिर ये हो जाता है कि फिर आप जो है ना वो चीज़ों की सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। अब ये बेड्स जो है ना ये इंशाल्लाह थोड़ा सा गुंजाइश है, फिर उसमें ये भी तैयार हो जाएंगी। तो होपफुली ये सारी स्ट्रॉबेरी आज जो है मुकम्मल हो जाएगी और मैं भी ये इस जगह पे भी स्ट्रॉबेरी लगा देंगे। तो बाकी की ये बेड्स जो है ना, बाकी जिस तरह हमने प्लान किया हुआ उस तरह इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड के फ्रेंड्स एंड फैमिली जब हमारे पास आए तो हम उनको नीचे जो है वो किचन गार्डन में स्ट्रॉबेरी प्लग करने के लिए लाएं ताकि वो एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी को एंजॉय भी करें और मे भी अगर हमारी अच्छी प्रोड्यूस हो तो अपने घरों में भी लेके जाएं। तो ये इस पर जो है ना विंटर बड़ा अच्छा आ रहा है और होपफुली इंशाल्लाह इस बार जो है ना मुझे लगता है कि हमारी सब्ज़ियों फ्रूट सब की प्रोड्यूस बहुत अच्छी होगी। आप ये देखें सिट्रस माशाल्लाह हमारा जो है ना दरख्त जो है ना उन्हें पिक किया है। ये छोटे दरख्त हैं, इतने बड़े नहीं हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो फुली जो है वो ये देखिए हमारे रंग रंग के लोग हैं जो यहाँ मेहनत करते हैं। चाचा आज़म जो है, चाचा इधर देखें, चाचा आज़म इधर देखें, आते लाएं। चाचा आज़म जो है गिलगित के माशाल्लाह, पर रोटी रेस का आपको ले आते हैं। ये जो है वो लड़का लोकल है जो जनाबली आपने देखा है, जनाबली जो है वो मरदान से। तो माशाल्लाह सब लोग जो है ना अपनी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस जो है ना इस जगह में करते हैं और इस जगह को अगर ये हरियाली है और ये चीज़ें हैं तो ये इसका जो सबसे बड़ा हमारा एसेट है वो हमारे लोग हैं जो हमारे पास काम करते हैं। इनको कभी डांट पड़ती है, कभी शाबाश मिलती है, बट ये है कि ये इनकी वजह से ही सब खूबसूरतियाँ और सब हरियाली हैं। इंजॉय करें बारिश को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।